का आपके अपने चैनल हमारी संस्कृति में। तो आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रिलेटेड कुछ इशू जो अभी कुछ दिन पहले क्रिएट हुआ था। तो मुझे तो जान के ये बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगा कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, कि मतलब कोई ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ न्यूज एजेंसी की तरफ से जो अपडेट आई थी उसके रिलेटेड कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऊपर देशद्रोह का कुछ उल्लंघन मतलब इस तरह से कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहानी जो ऐसे चल रही थी, जो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि नर्मदा सिंह महापुराण की जो कथा चल रही थी उसमें पंडित प्रदीप जी ने शायद पांचवें या सातवें दिन एक गाना गाया था, ठीक है। ये गाना जो आपके मेरे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आई होप सो कि ठीक है ना, क्लियरली दिख रहा है। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनना है, संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, ठीक है। ओ जय हो हिंदुस्तान, मेरे प्यारे हिंदुस्तान, ये एक लाइन उन्होंने गाई थी कहानी मतलब कविता। तो इस कविता को लेकर अब कुछ ऐसे पब्लिक है जिनके मन में ख्याल आ रहा है कि ये पंडित प्रदीप जी जो हैं ये पूरा का पूरा मतलब भारत का संविधान बदलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके ऊपर कुछ हमारे पास ऐसे हैं जो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री से भी चर्चा हुई थी भोपाल में इस चीज़ के रिलेटेड कि क्या इशू है, कैसे इसे करना है। और मैं आपको यहाँ पे ले सकता हूँ कि विरोध क्यों हो रहा था। यहाँ पे देखिए कि दलित संगठन ने इसको विरोध किया और पंडित मिश्रा के खिलाफ देश द्रोह का मामला दर्ज करने की अपील की है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक दलित संजय अंबेडकर ने कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने भारतीय संविधान का अपमान किया है, ठीक है। अगर उन्होंने 24 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगी तो उनका पुतला दहन भी किया जाएगा। तो ये एक न्यूज चैनल है। दूसरे न्यूज चैनल की हम दैनिक भास्कर की बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ भी उन्होंने सेम चीज ऐसा ही चल रहा है कि मुकदेश द्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं कुछ यहाँ पे युवाएं और नेताएं सब हैं। तो उस तरह से ये पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे अभी मार्केट में मतलब सोशल मीडिया पे चल रहा है। दूसरे दैनिक भास्कर पे भी देखिए ये भी सेम चीज़ वहीं पे लिखा रहा है। 3 से 9 जो नर्मदा सिंह महापुराण में चल रहा था तो उसी गीत के दौरान इन्होंने कोई एक गीत लगाई थी जिसमें कि दलित संघ ने जो है चेतावनी मांगी है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भक्तों की मतलब आगे आने वाले समय में होता क्या है। कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि भड़काऊ और अपमानजनक टिप्पणियां भी कर रही इसके रिलेटेड, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही चीज़ है। उन्होंने गाया वो ये उनका स्वभाव था, ठीक है ना। ये मतलब क्या कह सकते हैं, सबका अपना अपना सोच होता है ना, तो वो अपने सोच के लिए ऐसा गाया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं या उसके खिलाफ कुछ, यहाँ ठीक है वो अपनी सोच है, वो अपनी सोच अपने कविता के तरह रखे हैं। तो उन्होंने क्लियरली ऐसा किसी को बोला नहीं ना कि हाँ ऐसा हो रहा है या ऐसा। सारे न्यूज़ चैनल आप देख रहे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारे न्यूज़ चैनल पे आपको सेम चीज़ ही अभी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि कुछ कुछ का कहना है कि इससे पहले भी पंडित प्रदीप जी बहुत गुस्सा होते थे, जो हरिद्वार की कथा चल रही थी वहाँ पे भी पंडित प्रदीप जी ने जो माइक का इशू हुआ था जिसके कारण कि पंडित प्रदीप जी ने कथा छोड़ के चले गए थे। तो कुछ कुछ इस तरह से भी टिप्पणियाँ करें। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है भक्तों की, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई इशू होनी चाहिए। हो सकता है कथा है, कवि है, कुछ बोल दिए तो यार वो पूरा उसे हम ले नहीं सकते ना इस हिसाब से कि हाँ दल मतलब बहिष्कार किया जाए उसका या देशद्रोह उसको हम घोषित कर दें। ये तो मतलब कोई कुछ कह नहीं सकते ना इस हिसाब से। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पॉइंट पर रिलेटेड कि हाँ सही में देशद्रोही का मतलब जो लगाया गया ये सही है या गलत है? तो प्लीज़ अपने कमेंट हमें भी चाहिए कि आप कमेंट कीजिए। जितना से जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा ही मतलब सामने वाले को लगेगा कि नहीं ये सही चीज़ है या गलत चीज़ है, ठीक है ना। तो अपने कमेंट भक्तों आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।